जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो सरकार को लोगों की समस्याएं भी याद आने लगती हैं। अन्यथा सरकार लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देती है। उत्तराखंड के गुलर भोज की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने बयानों और हेलीकॉप्टर से आने जाने की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनके ही ग्राम विधानसभा के लगभग 8 गांव के लोग हरिपुरा जलाशय से गांव तक नाव से सफर तय करने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले हरिपुरा जलाशय पर पुल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना है और ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल से आने जाने में बच्चों को परेशानी होती है। यदि किसी गर्भवती और बीमार महिला या पुरुष को शहर लेकर जाना हो तो लगभग 20 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता है। यदि ये पुल बन जाता तो ये दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर तक की होती और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुधर जाए। लेकिन सरकार चुनाव के समय लोगों के बीच आती तो जरूर है, वादे भी करती है और फिर चुनाव जीतने के बाद किए हुए वादों को भूल भी जाती है। बच्चों को स्कूल आने में जब कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, रोज यही है हालात यहाँ के। नाव का कोई टाइम ही नहीं है, कभी आती कभी नहीं आती है। बाइकें भी इसी में जाती हैं, एक एक घंटे दो दो घंटे में आना जाना है, रास्ते के वजह से दिक्कत आती है। स्कूल के बच्चे नहीं पहुंच पाते टाइम से, सवार हम लोग नहीं पहुंच पाते टाइम से। जाना है किसी को अस्पताल या तकलीफ हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। इमरजेंसी में क्या करते हैं, उसके बाद इसी का नाव का सहारा रहता है, नहीं मिलते तो फिर ऊपर से बाइक से लेकर आना पड़ता, लेट हो जाती है, दिक्कत आती बहुत। गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। This program is sponsored by Sumeru Infrastructures.